और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को गिफ्ट दिया है। उन्होंने गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा भेंट की, इसके साथ ही सोने का सिक्का, पंजाब का गिफ्ट भी भेंट दिया, यानी कि घी, पंजाब का घी गिफ्ट में दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायमंड भी गिफ्ट किया है। वहीं जिल बाइडेन के लिए वो ग्रीन डायमंड लेकर गए थे। तो एक ट्रेडिशन है, जब भी भारतीय प्रधानमंत्री विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो इस तरीके के गिफ्ट्स जो हैं वो वहां पर देते हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से गिफ्ट भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर गए थे और उन्होंने जो बाइडेन और जिल बाइडेन को ये तोहफे में दिए हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जब व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो जो बाइडेन ने भी उन्हें गिफ्ट दिए हैं, जो एक ट्रेडिशन के तौर पर दोनों देश एक दूसरे को देते हैं। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक लंबी लिस्ट है गिफ्ट्स की। सोने का सिक्का भेंट किया गया है, पंजाब का घी भेंट किया गया है। इसके अलावा जिल बाइडेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन डायमंड लेकर गए थे, इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो भारत की तरफ से अमेरिका को जो बाइडेन को और उनकी पत्नी को ये गिफ्ट्स भेंट किए गए हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एंटीक का घड़ी गिफ्ट की, इसके अलावा एक बुकलेट गिफ्ट की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फर्स्ट हैंड कॉपी, साइंड कॉपी गिफ्ट की है। तो एक ट्रेडिशन के तौर पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो दोनों देशों के बीच एक पारिवारिक समझौते के तौर पर या पारिवारिक रिश्ते के तौर पर इस तरीके से एक ट्रेडिशन रहता है, जब एक दूसरे को इस तरीके के गिफ्ट्स दिए जाते हैं, भेंट किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट लेडी को तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना का मुकाबला करने के लिए पुतिन ने जंग में अपने आत्मघाती टैंक उतार दिए। बताया गया कि रिमोट की मदद से चलने वाले ये टैंक दुश्मन के इलाके में धमाके के इरादे से भेजे गए ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और इन हमलों में रूस के एक भी सैनिक की जान न जा पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के ये आत्मघाती टैंक रिमोट की मदद से चलते हैं, जो अपने साथ 6 टन विस्फोटक लेकर दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचते हैं, जिसके बाद एक बटन दबाते ही वहां जोरदार धमाका कर दिया जाता है। यही वजह है कि रूस जंग में इन आत्मघाती टैंकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है ताकि जेलेंस्की की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन की इस चाल को भांप लिया और ड्रोन की मदद से रूस के कई आत्मघाती टैंकों को निशाना बना लिया। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह संकेत दे दिए कि उनके सैनिक भी जल्द ही जंग में रूस का साथ देते दिखाई देंगे। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है, यहां तक कि रूस ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु मिसाइलें भी बेलारूस में ही तैनात की, क्योंकि लुकाशेंको पुतिन के करीबी और अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वहीं बेलारूस की सीमा यूक्रेन की सीमा से लगती है, जिसकी वजह से जंग में पुतिन का काम कई गुना आसान हो गया। अब जैसे जैसे जंग भीषण होती जा रही है, बेलारूस भी अपने सैनिकों को रूस का साथ देने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके लिए रूस और बेलारूस की सेना के बीच कई अभ्यास भी हुए। रूस की इस तैयारी के बाद ये माना जा रहा है कि जंग और भीषण हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लुकाशेंको की सेना भी रूस के लिए बंदूकें उठाने के लिए तैयार होगी।